हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डॉन प्लम मूवी के बारे में बताती हूँ। प्लम 2001 की कम बजट की ब्लैक एंड व्हाइट स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन आरडी राव ने किया है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैग्वायर और केविन को नोली ने अभिनय किया है। नाटक 1995-96 में फिल्माया गया था और राव द्वारा मेथानी एक्शन डॉर्ड बेकमैन, डेविड स्टेटसमैन और डेल हिटली के साथ लिखा गया था। फिल्म एक रात के दौरान होती है, जिसमें युवा वयस्कों का एक समूह भोजन करते समय जीवन पर चर्चा करता है। निर्देशक आरडी राव द्वारा लिखित मैथानी एक्सटन टार्ड बेकमैन, आरडी राव, डेविड स्टेटमैन, डेल विटली द्वारा निर्मित डेविड स्टमैन, डेल विटली अभिनीत, लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैग्वायर, केविन कॉनली, स्टॉक ब्लूम, जेनी लूसी, एवर बेसन, लिथर पेकॉम्स, मिडो सीट्रो, मारिशा रिविसी, निक्की कॉक्स, छायकान, स्टीव एडकॉक, ब्रायन बेलामी द्वारा संपादित, पॉल हेमेन, नविल मेचियो संगीत दिया, ब्लैक सेनेट उत्पादन कंपनियां स्टार्स फिल्म स्लैक, जे ट्रोपो एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, पोलो पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 फरवरी 2001, डेनमार्क 24 अगस्त 2001, कार्यकारी समय 89 मिनट, देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, भाषा अंग्रेजी, बजट बॉक्स ऑफिस 6,997। फिल्म को अमेरिका और कनाडा में रिलीज होने से रोक दिया गया था, क्योंकि डिकैप्रियो और मैग्वायर का दावा है कि वे केवल एक लघु फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन एक फीचर फिल्म में नहीं। रिलो केली के ब्लैक सेनेट ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक प्रदान किया। उनके बैटमैन जेनी लूसी की सारा की भूमिका है। यह मैगी इर्शी और डीके प्रियो के बीच दूसरी फिल्म
ऑन स्क्रीन सहयोग है। पहली फिल्म दिस वॉयजर्स लाइफ 1993 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म द गेट वेबसाइट 2013 में रिलीज हुई। डांस फिल्म 20 साल के युवकों के एक मित्र समूह के इर्द गिर्द केंद्रित है जो हर शनिवार की रात डांस क्लब नामक एक रेस्तरां में मिलते हैं। चार पुरुष मित्र आम तौर पर सभी को घूमने के लिए अपने साथ एक लड़की लाते हैं। नाटक शुरू होता है जिसमें रेस्तरां में दोस्तों और अन्य सदस्यों के बीच मौखिक और शारीरिक तर्करा शामिल है। बहुत कम ठोस कथनाक है जिसमें दोस्तों का हैक आउट फिल्म अधिक है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा इम्प्रोवाइज है। डीके प्रियो और मैग्यू इर्से को फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए प्रतिदिन 575 का भुगतान किया गया था। डीके पीओ और मैग्यू इर्से फिल्म के रिलीज होने का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार फिल्म को उन्हें एक लघु फिल्म के रूप में पेश किया गया था लेकिन बाद में एक फीचर लंबी वाली फिल्म में फिर से संपादित किया गया था। निर्माता डेविड स्टेटमैन का आरोप है कि मेगिशन ने अपने काम चलाओ प्रदर्शन के कारण फिल्म को रिलीज का विरोध किया जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था। स्टेटमैन ने 1998 में डीको प्रियो और सर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे फिल्म को अमरीकी और कनाडा के बाहर रिलीज करने की अनुमति देने पर सहमत हुए और कुछ दृश्यों को हटा दिया। 2014 में टेल विटली ने वेबसाइट freedomsclub.com पर के प्रियो को एक खुला पत्र प्रकाशित किया जिसमें फिल्म के इतिहास और आगामी कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी। विटली ने फिल्म को वेबसाइट पर भी अपलोड किया ताकि इसे मुक्त। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डॉन प्लम मूवी के बारे में बताती हूँ। प्लम 2001 की कम बजट की ब्लैक एंड वाइट स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन आर डी राव ने किया है जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैकग्रू इवर्स और केविन को नोली ने अभिनय किया है। नाटक 1995-96 में फिल्माया गया था और राव द्वारा मेथानी एक्शन डॉर्ड बेकमैन, डेविड स्टेटसमैन और डेल हिटली के साथ लिखा गया था। फिल्म एक रात के दौरान होती है जिसमें युवा वयस्कों का एक समूह भोजन करते समय जीवन पर चर्चा करता है। निर्देशक आर डी राव द्वारा लिखित मैथानी एक्सटन टार्ड बेकमैन, आर डी राव, डेविड स्टेटमैन, डेल विटली द्वारा निर्मित, डेविड स्टमैन
डेल व्हीटली, अभिनीत लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोवी मार्कू इवरे, केविन कोनोली, स्टॉक ब्लूम्स, जेनी लूसी, एवर बेसन, लिथर पेक कॉम्स, मीडो सीट्रो, मारिशा रिविसी, निक्की कॉक्स, छायकान, स्टीव एडकॉक, ब्रायन बेलामी द्वारा संपादित, पॉल हेमेन, नविल मेचियो, संगीत दिया ब्लैक सेनेट, उत्पादन कंपनियां स्टार्स फिल्म स्लैक, जे ट्रोपो एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, पोलो पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, रिलीज की तारीख बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 फरवरी 2001, डेनमार्क 24 अगस्त 2001, कार्यकारी समय 89 मिनट, देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, भाषा अंग्रेजी, बजट बॉक्स ऑफिस 6,997, फिल्म को अमेरिका और कनाडा में रिलीज होने से रोक दिया गया था क्योंकि डिकैप्रियो और मेगू इर्सी का दावा है कि वे केवल एक लघु फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन एक फीचर फिल्म में नहीं। रिलो केली के ब्लैक सेनेट ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक प्रदान किया। उनके बैटमैन जेनी लूसी की सारा की भूमिका है। यह मैगी इर्सी और डिकैप्रियो के बीच दूसरी फिल्म ऑन स्क्रीन सहयोग है। पहली फिल्म दिस वॉयजर्स लाइफ 1993 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म द गेट वेबसाइट 2013 में रिलीज हुई। डांस फिल्म 20 साल के युवकों के एक मित्र समूह के इर्द गिर्द केंद्रित हैं, जो हर शनिवार की रात डांस क्लब नामक एक रेस्तरां में मिलते हैं। चार पुरुष मित्र आम तौर पर सभी को घूमने के लिए अपने साथ एक लड़की लाते हैं। नाटक शुरू होता है जिसमें रेस्तरां में दोस्तों और अन्य सदस्यों के बीच मौखिक और शारीरिक तरकरा शामिल है। बहुत कम ठोस कथनाक है जिसमें दोस्तों का है आउट फिल्म अधिक है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा इम्प्रोवाइज है। डिकैप्रियो और मैगी इर्सी को फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए प्रतिदिन 575 का भुगतान किया गया था। डिकैप्रियो और मैगी इर्सी फिल्म के रिलीज होने का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार फिल्म को उन्हें एक लघु फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन बाद में एक फीचर लंबी वाली फिल्म में फिर से संपादित किया गया था। निर्माता डेविड स्टेटमैन का आरोप है कि मेगिशन ने अपने काम चलाओ प्रदर्शन के कारण फिल्म को रिलीज का विरोध किया, जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था। स्टेटमैन ने 1998 में डिकैप्रियो और सर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे फिल्म को अमेरिकी और कनाडा के बाहर रिलीज करने की अनुमति देने पर सहमत हुए और कुछ
दृश्यों को हटा दिया। 2014 में टेल विटली ने वेबसाइट freedomsclub.com पर टिके प्रयोग को एक खुला पत्र प्रकाशित किया, जिसमें फिल्म के इतिहास और आगामी कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी। विटली ने फिल्म को वेबसाइट पर भी अपलोड किया ताकि इसे मुक्त। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डॉन प्लम मूवी के बारे में बताती हूँ। प्लम 2001 की कम बजट की ब्लैक एंड वाइट स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन आर डी राव ने किया है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैकग्रू इवर्स और केविन को नोली ने अभिनय किया है। नाटक 1995-1996 में फिल्माया गया था और राव द्वारा मेथानी एक्शन डॉर्ड बेकमैन, डेविड स्टेटसमैन और डेल हिटली के साथ लिखा गया था। फिल्म एक रात के दौरान होती है, जिसमें युवा वयस्कों का एक समूह भोजन करते समय जीवन पर चर्चा करता है। निर्देशक आर डी राव द्वारा लिखित मैथानी एक्सटन, टार्ड बेकमैन, आर डी राव, डेविड स्टेटमैन, डेल विटली द्वारा निर्मित डेविड स्टमैन, डेल विटली अभिनित, लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैकग्रू इवर्स, केविन कोनोली, स्टॉक ब्लूम, जेनी लूसी, एवर बेसन, लिथर बेकम्स, मिडो सीट्रो, मारिशा रिविसी, निक्की कॉक्स, छायकान स्टीव एडकॉक, ब्रायन बेलामी द्वारा संपादित, पॉल हेमेन, नविल मेचियो संगीत दिया, ब्लैक सेनेट उत्पादन कंपनियां स्टार्स फिल्म स्लैक, जे ट्रोपो एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, पोलो पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 फरवरी 2001, डेनमार्क 24 अगस्त 2001, कार्यकारी समय 89 मिनट, देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, भाषा अंग्रेजी, बजट बॉक्स ऑफिस 6,997। फिल्म को अमेरिका और कनाडा में रिलीज होने से रोक दिया गया था, क्योंकि डिकैप्रियो और मैकग्रू इवर्स का दावा है कि वे केवल एक लघु फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन एक फीचर फिल्म में नहीं। रिलो केली के ब्लैक सेनेट ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक प्रदान किया। उनके बैटमैन जेनी लूसी की सारा की भूमिका है। यह मैगी इर्शी और डिकैप्रियो के बीच दूसरी फिल्म ऑन स्क्रीन सहयोग है। पहली फिल्म दिस वॉयजर्स लाइफ 1993 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म द गेट वेबसाइट 2013 में रिलीज हुई। डांस फिल्म
20 साल के युवकों के एक मित्र समूह के इर्द गिर्द केंद्रित हैं, जो हर शनिवार की रात ड्रंस क्लब नामक एक रेस्तरां में मिलते हैं। 4 पुरुष मित्र आम तौर पर सभी को घूमने के लिए अपने साथ एक लड़की लाते हैं। नाटक शुरू होता है, जिसमें रेस्तरां में दोस्तों और अन्य सदस्यों के बीच मौखिक और शारीरिक तर्करा शामिल है। बहुत कम ठोस कथनाक है, जिसमें दोस्तों का हैक आउट फिल्म अधिक है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा इम्प्रोवाइज है। डीके प्रियो और मैग्यू इर्से को फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए प्रतिदिन 575 का भुगतान किया गया था। डीके पीओ और मैग्यू इर्से फिल्म के रिलीज होने का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार फिल्म को उन्हें एक लघु फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन बाद में एक फीचर लंबी वाली फिल्म में फिर से संपादित किया गया था। निर्माता डेविड स्टेटमैन का आरोप है कि मेगिशन ने अपने काम चलाओ प्रदर्शन के कारण फिल्म को रिलीज का विरोध किया, जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था। स्टेटमैन ने 1998 में डीको प्रियो और सर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे फिल्म को अमरीकी और कनाडा के बाहर रिलीज करने की अनुमति देने पर सहमत हुए और कुछ दृश्यों को हटा दिया। 2014 में टेल विटली ने वेबसाइट freedomsclub.com पर के प्रियो को एक खुला पत्र प्रकाशित किया, जिसमें फिल्म के इतिहास और आगामी कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी। विटली ने फिल्म को वेबसाइट पर भी अपलोड किया ताकि इसे मुक्त। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डॉन प्लम मूवी के बारे में बताती हूँ। प्लम 2001 की कम बजट की ब्लैक एंड वाइट स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन आरडी राव ने किया है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैकग्रू इवर्स और केविन को नोली ने अभिनय किया है। नाटक 1995-96 में फिल्माया गया था और राव द्वारा मेथानी एक्शन डॉर्ड बेकमैन, डेविड स्टेटसमैन और डेल हिटली के साथ लिखा गया था। फिल्म एक रात के दौरान होती है, जिसमें युवा वयस्कों का एक समूह भोजन करते समय जीवन पर चर्चा करता है। निर्देशक आरडी राव द्वारा लिखित मैथानी एक्सटन टार्ड बेकमैन, आरडी राव, डेविड स्टेटमैन, डेल विटली द्वारा निर्मित डेविड स्टमैन, डेल विटली अभिनित लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मार्कू इवरे, केविन को नोली, स्टॉक ब्लूम्स, जेनी लूसी, एवर बेसन, लिथर पेक कॉम्स, मीडो सीट्रो,
मारिशा रिवीसी, निक्की कॉक्स, छायकान स्टीव एडकॉक, ब्रायन बेलामी द्वारा संपादित पॉल हेमेन, नविल मेचियो, संगीत दिया ब्लैक सेनेट, उत्पादन कंपनियां स्टार्स फिल्म स्लैक, जे ट्रोपो एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, पोलो पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 फरवरी 2001, डेनमार्क 24 अगस्त 2001, कार्यकारी समय 89 मिनट, देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, भाषा अंग्रेजी, बजट बॉक्स ऑफिस 6,997, फिल्म को अमेरिका और कनाडा में रिलीज होने से रोक दिया गया था क्योंकि टीके प्रियो और मेकू इर्सी का दावा है कि वे केवल एक लघु फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन एक फीचर फिल्म में नहीं। रिलो केली के ब्लैक सेनेट ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक प्रदान किया। उनके बैटमैन जेनी लूसी की सारा की भूमिका है। यह मैगी इर्सी और डीके प्रियो के बीच दूसरी फिल्म ऑन स्क्रीन सहयोग है। पहली फिल्म दिस वॉयजर्स लाइफ 1993 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म द गेट वेबसाइट 2013 में रिलीज हुई। डांस फिल्म 20 साल के युवकों के एक मित्र समूह के इर्द गिर्द केंद्रित हैं, जो हर शनिवार की रात डांस क्लब नामक एक रेस्तरां में मिलते हैं। चार पुरुष मित्र आम तौर पर सभी को घूमने के लिए अपने साथ एक लड़की लाते हैं। नाटक शुरू होता है जिसमें रेस्तरां में दोस्तों और अन्य सदस्यों के बीच मौखिक और शारीरिक तर्करा शामिल है। बहुत कम ठोस कथनाक है जिसमें दोस्तों का है आउट फिल्म अधिक है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा इम्प्रोवाइज है। डीके प्रियो और मैगी इर्सी को फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए प्रतिदिन 575 का भुगतान किया गया था। डीके प्रियो और मैगी इर्सी फिल्म के रिलीज होने का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार फिल्म को उन्हें एक लघु फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन बाद में एक फीचर लंबी वाली फिल्म में फिर से संपादित किया गया था। निर्माता डेविड स्टेटमैन का आरोप है कि मेगिशन ने अपने काम चलाओ प्रदर्शन के कारण फिल्म को रिलीज का विरोध किया, जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था। स्टेटमैन ने 1998 में डीके प्रियो और सर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे फिल्म को अमरीकी और कनाडा के बाहर रिलीज करने की अनुमति देने पर सहमत हुए और कुछ दृश्यों को हटा दिया। 2014 में टेल विटली ने वेबसाइट freedomsclub.com पर टिके प्रियो को एक खुला
पत्र प्रकाशित किया जिसमें फिल्म के इतिहास और आगामी कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी। वीटली ने फिल्म को वेबसाइट पर भी अपलोड किया ताकि इसे मुक्त। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डॉन प्लम मूवी के बारे में बताती हूँ। प्लम 2001 की कम बजट की ब्लैक एंड व्हाइट स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन आर डी राव ने किया है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैग्वायर और केविन कॉनली ने अभिनय किया है। नाटक 1995-1996 में फिल्माया गया था और राव द्वारा मेथानी एक्शन डॉर्ड बेकमैन, डेविड स्टेटसमैन और डेल हिटली के साथ लिखा गया था। फिल्म एक रात के दौरान होती है जिसमें युवा वयस्कों का एक समूह भोजन करते समय जीवन पर चर्चा करता है। निर्देशक आर डी राव द्वारा लिखित मैथानी एक्सटन टार्ड बेकमैन, आर डी राव, डेविड स्टेटमैन, डेल विटली द्वारा निर्मित डेविड स्टमैन, डेल विटली अभिनित लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैग्वायर, केविन कॉनली, स्टॉक ब्लूम, जेनी लूसी, एवर बेसन, लिथर बेकहाम, मीडो सीट्रो, मारिशा रिवीसी, निक्की कॉक्स, छायकान स्टीव एडकॉक, ब्रायन बेलामी द्वारा संपादित पॉल हेमेन, नविल मेचियो संगीत दिया ब्लैक सेनेट, उत्पादन कंपनियां स्टार्स फिल्म स्लैक, जे ट्रोपो एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित पोलो पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, रिलीज की तारीख बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 फरवरी 2001, डेनमार्क 24 अगस्त 2001, कार्यकारी समय 89 मिनट, देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, भाषा अंग्रेजी, बजट बॉक्स ऑफिस 6,997। फिल्म को अमेरिका और कनाडा में रिलीज होने से रोक दिया गया था क्योंकि डिकैप्रियो और मैग्वायर का दावा है कि वे केवल एक लघु फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन एक फीचर फिल्म में नहीं। रिलो केली के ब्लैक सेनेट ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक प्रदान किया। उनके बैटमैन जेनी लूसी की सारा की भूमिका है। यह मैगी इर्शी और डिकैप्रियो के बीच दूसरी फिल्म ऑन स्क्रीन सहयोग है। पहली फिल्म दिस वॉयजर्स लाइफ 1993 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म द गेट वेबसाइट 2013 में रिलीज हुई। डांस फिल्म 20 साल के युवकों के एक मित्र समूह के इर्द गिर्द केंद्रित है जो हर शनिवार
की रात ड्रांस ब्लब नामक एक रेस्तरां में मिलते हैं। चार पुरुष मित्र आम तौर पर सभी को घूमने के लिए अपने साथ एक लड़की लाते हैं। नाटक शुरू होता है जिसमें रेस्तरां में दोस्तों और अन्य सदस्यों के बीच मौखिक और शारीरिक तर्करा शामिल है। बहुत कम ठोस कथनाक है जिसमें दोस्तों का हेक आउट फिल्म अधिक है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा इम्प्रोवाइज है। डीके प्रियो और मैग्यू इट्से को फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए प्रतिदिन 575 का भुगतान किया गया था। डीके पीओ और मैग्यू इससे फिल्म के रिलीज होने का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार फिल्म को उन्हें एक लघु फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन बाद में एक फीचर लंबी वाली फिल्म में फिर से संपादित किया गया था। निर्माता डेविड स्टेटमैन का आरोप है कि मैग्यूशन ने अपने काम चलाओ प्रदर्शन के कारण फिल्म को रिलीज का विरोध किया, जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था। स्टेटमैन ने 1998 में डीको प्रियो और सर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे फिल्म को अमरीकी और कनाडा के बाहर रिलीज करने की अनुमति देने पर सहमत हुए और कुछ दृश्यों को हटा दिया। 2014 में टेल विटली ने वेबसाइट freedomsclub.com पर के प्रियो को एक खुला पत्र प्रकाशित किया जिसमें फिल्म के इतिहास और आगामी कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी। विटली ने फिल्म को वेबसाइट पर भी अपलोड किया ताकि इसे मुक्त। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डॉन प्लम मूवी के बारे में बताती हूँ। प्लम 2001 की कम बजट की ब्लैक एंड वाइट स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन आर डी राव ने किया है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैकग्रू इवर्स और केविन को नोली ने अभिनय किया है। नाटक 1995-96 में फिल्माया गया था और राव द्वारा मेथानी एक्शन डॉर्ड बेकमैन, डेविड स्टेटसमैन और डेल हिटली के साथ लिखा गया था। फिल्म एक रात के दौरान होती है जिसमें युवा वयस्कों का एक समूह भोजन करते समय जीवन पर चर्चा करता है। निर्देशक आर डी राव द्वारा लिखित मैथानी एक्सटन टार्ड बेकमैन, आर डी राव, डेविड स्टेटमैन, डेल विटली द्वारा निर्मित डेविड स्टमैन, डेल विटली अभिनीत, लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मार्कू इवरे, केविन को नोली, स्टॉक ब्लूम्स, जेनी लूसी, एवर बेसन, लिथर पेक काम्स, मीडो सीट्रो, मारिशा रिविसी, निक्की कॉक्स, छायकान, स्टीव एडकॉक, ब्रायन बेलामी द्वारा संपादित, पॉल हेमेन, नविल मेचियो संगीत दिया, ब्लैक सेनेट
उत्पादन कंपनियां स्टार्स फिल्म स्लैक जे ट्रोपो एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित पोलो पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 फरवरी 2001 डेनमार्क 24 अगस्त 2001 कार्यकारी समय 89 मिनट देशों संयुक्त राज्य अमेरिका डेनमार्क स्वीडन भाषा अंग्रेजी बजट बॉक्स ऑफिस 6,997 फिल्म को अमेरिका और कनाडा में रिलीज होने से रोक दिया गया था क्योंकि टीके प्रियो और मेकू इर्सी का दावा है कि वे केवल एक लघु फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हुए थे लेकिन एक फीचर फिल्म में नहीं। रिलो केली के ब्लैक सेनेट ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक प्रदान किया। उनके बैटमैन जेनी लूसी की सारा की भूमिका है। यह मैगी इर्सी और डीके प्रियो के बीच दूसरी फिल्म ऑन स्क्रीन सहयोग है। पहली फिल्म दिस वॉयजर्स लाइफ 1993 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म द गेट वेबसाइट 2013 में रिलीज हुई। डांस फिल्म 20 साल के युवकों के एक मित्र समूह के इर्द गिर्द केंद्रित हैं जो हर शनिवार की रात डांस क्लब नामक एक रेस्तरां में मिलते हैं। चार पुरुष मित्र आम तौर पर सभी को घूमने के लिए अपने साथ एक लड़की लाते हैं। नाटक शुरू होता है जिसमें रेस्तरां में दोस्तों और अन्य सदस्यों के बीच मौखिक और शारीरिक तरकरा शामिल है। बहुत कम ठोस कथनाक है जिसमें दोस्तों का है आउट फिल्म अधिक है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा इम्प्रोवाइज है। डीके प्रियो और मैगी इर्सी को फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए प्रतिदिन 575 का भुगतान किया गया था। डीके पीओ और मैग्यू इससे फिल्म के रिलीज होने का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार फिल्म को उन्हें एक लघु फिल्म के रूप में पेश किया गया था लेकिन बाद में एक फीचर लंबी वाली फिल्म में फिर से संपादित किया गया था। निर्माता डेविड स्टेटमैन का आरोप है कि मेग इर्सी ने अपने काम चलाओ प्रदर्शन के कारण फिल्म को रिलीज का विरोध किया जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था। स्टेटमैन ने 1998 में डीको प्रियो और सर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे फिल्म को अमरीकी और कनाडा के बाहर रिलीज करने की अनुमति देने पर सहमत हुए और कुछ दृश्यों को हटा दिया। 2014 में टेल विटली ने वेबसाइट फ्री डॉन्स क्लब कॉम पर के प्रयोग को एक खुला पत्र प्रकाशित किया जिसमें फिल्म के इतिहास और आगामी कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी। विटली ने फिल्म को वेबसाइट पर भी अपलोड किया ताकि इसे मुक्त
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डॉन प्लम मूवी के बारे में बताती हूँ। प्लम 2001 की कम बजट की ब्लैक एंड व्हाइट स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन आरडी राव ने किया है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैग्वायर और केविन कॉनली ने अभिनय किया है। नाटक 1995-1996 में फिल्माया गया था और राव द्वारा मेथानी एक्शन डॉर्ड बेकमैन, डेविड स्टेटसमैन और डेल हिटली के साथ लिखा गया था। फिल्म एक रात के दौरान होती है, जिसमें युवा वयस्कों का एक समूह भोजन करते समय जीवन पर चर्चा करता है। निर्देशक आरडी राव द्वारा लिखित मैथानी एक्सटन टार्ड बेकमैन, आरडी राव, डेविड स्टेटमैन, डेल विटली द्वारा निर्मित डेविड स्टमैन, डेल विटली अभिनित लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैग्वायर, केविन कॉनली, स्टॉक ब्लूम, जेनी लूसी, एवर बेसन, लिथर पेकॉम्स, मिडो सीट्रो, मारिशा रिवीसी, निक्की कॉक्स, छायकान स्टीव एडकॉक, ब्रायन बेलामी द्वारा संपादित पॉल हेमेन, नविल मेचियो संगीत दिया ब्लैक सेनेट, उत्पादन कंपनियां स्टार्स फिल्म स्लैक, जे ट्रोपो एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित पोलो पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, रिलीज की तारीख बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 फरवरी 2001, डेनमार्क 24 अगस्त 2001, कार्यकारी समय 89 मिनट, देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, भाषा अंग्रेजी, बजट बॉक्स ऑफिस 6,997। फिल्म को अमेरिका और कनाडा में रिलीज होने से रोक दिया गया था, क्योंकि डिकैप्रियो और मैग्वायर का दावा है कि वे केवल एक लघु फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन एक फीचर फिल्म में नहीं। रिलो केली के ब्लैक सेनेट ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक प्रदान किया। उनके बैटमैन जेनी लूसी की सारा की भूमिका है। यह मैगी इर्शी और डिकैप्रियो के बीच दूसरी फिल्म ऑन स्क्रीन सहयोग है। पहली फिल्म दिस वॉयजर्स लाइफ 1993 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म द गेट वेबसाइट 2013 में रिलीज हुई। डांस फिल्म 20 साल के युवकों के एक मित्र समूह के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो हर शनिवार की रात डांस क्लब नामक एक रेस्तरां में मिलते हैं,
चार पुरुष मित्र आम तौर पर सभी को घूमने के लिए अपने साथ एक लड़की लाते हैं। नाटक शुरू होता है जिसमें रेस्तार में दोस्तों और अन्य सदस्यों के बीच मौखिक और शारीरिक तर्करा शामिल है। बहुत कम ठोस कथनाक है जिसमें दोस्तों का हैक आउट फिल्म अधिक है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा इम्प्रोवाइज है। डीके प्रियो और मैग्यू इर्से को फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए प्रतिदिन 575 का भुगतान किया गया था। डीके पीओ और मैग्यू इर्से फिल्म के रिलीज होने का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार फिल्म को उन्हें एक लघु फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन बाद में एक फीचर लंबी वाली फिल्म में फिर से संपादित किया गया था। निर्माता डेविड स्टेटमैन का आरोप है कि मैग्यूशन ने अपने काम चलाओ प्रदर्शन के कारण फिल्म को रिलीज का विरोध किया, जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था। स्टेटमैन ने 1998 में डीको प्रियो और सर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे फिल्म को अमरीकी और कनाडा के बाहर रिलीज करने की अनुमति देने पर सहमत हुए और कुछ दृश्यों को हटा दिया। 2014 में टेल विटली ने वेबसाइट freedomsclub.com पर डीके प्रियो को एक खुला पत्र प्रकाशित किया, जिसमें फिल्म के इतिहास और आगामी कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी। विटली ने फिल्म को वेबसाइट पर भी अपलोड किया ताकि इसे मुक्त। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डॉन प्लम मूवी के बारे में बताती हूँ। प्लम 2001 की कम बजट की ब्लैक एंड वाइट स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन आर डी राव ने किया है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैकग्रू इवर्स और केविन को नोली ने अभिनय किया है। नाटक 1995-96 में फिल्माया गया था और राव द्वारा मेथानी एक्टन, डॉर्ड बेकमैन, डेविड स्टेटसमैन और डेल हिटली के साथ लिखा गया था। फिल्म एक रात के दौरान होती है जिसमें युवा वयस्कों का एक समूह भोजन करते समय जीवन पर चर्चा करता है। निर्देशक आर डी राव द्वारा लिखित मैथानी एक्सटन, टॉड बेकमैन, आर डी राव, डेविड स्टेटमैन, डेल विटली द्वारा निर्मित, डेविड स्टमैन, डेल विटली अभिनीत, लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मार्कू इवरे, केविन को नोली, स्टॉक ब्लूम्स, जेनी लूसी, एवर बेसन, लिथर पेक, काम्स मीडो, सीट्रो, मारिशा रिविसी, निक्की कॉक्स, छायकान, स्टीव एडकॉक, ब्रायन बेलामी द्वारा संपादित, पॉल हेमेन, नविल मेचियो संगीत दिया, ब्लैक सेनेट, उत्पादन कंपनियां स्टार्स फिल्म स्लैक, जे ट्रोपो एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित,
पोलो पिक्चर्स इंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 फरवरी 2001 डेनमार्क 24 अगस्त 2001 कार्यकारी समय 89 मिनट देशों संयुक्त राज्य अमेरिका डेनमार्क स्वीडन भाषा अंग्रेजी बजट बॉक्स ऑफिस 6,997 फिल्म को अमेरिका और कनाडा में रिलीज होने से रोक दिया गया था क्योंकि टीके प्रियो और मेगू इर्सी का दावा है कि वे केवल एक लघु फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हुए थे लेकिन एक फीचर फिल्म में नहीं। रिलो केली के ब्लैक सेनेट ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक प्रदान किया। उनके बैटमैन जेनी लूसी की सारा की भूमिका है। यह मैगी इर्सी और डीके प्रियो के बीच दूसरी फिल्म ऑन स्क्रीन सहयोग है। पहली फिल्म दिस वॉयजर्स लाइफ 1993 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म द गेट वेबसाइट 2013 में रिलीज हुई। डांस फिल्म 20 साल के युवकों के एक मित्र समूह के इर्द गिर्द केंद्रित हैं जो हर शनिवार की रात डांस क्लब नामक एक रेस्तरां में मिलते हैं। चार पुरुष मित्र आम तौर पर सभी को घूमने के लिए अपने साथ एक लड़की लाते हैं। नाटक शुरू होता है जिसमें रेस्तरां में दोस्तों और अन्य सदस्यों के बीच मौखिक और शारीरिक तरकरा शामिल है। बहुत कम ठोस कथनाक है जिसमें दोस्तों का है आउट फिल्म अधिक है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा इम्प्रोवाइज है। डीके प्रियो और मैगी इर्सी को फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए प्रतिदिन 575 का भुगतान किया गया था। डीके प्रियो और मैगी इर्सी फिल्म के रिलीज होने का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार फिल्म को उन्हें एक लघु फिल्म के रूप में पेश किया गया था लेकिन बाद में एक फीचर लंबी वाली फिल्म में फिर से संपादित किया गया था। निर्माता डेविड स्टेटमैन का आरोप है कि मेग इर्सी ने अपने काम चलाओ प्रदर्शन के कारण फिल्म को रिलीज का विरोध किया जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था। स्टेटमैन ने 1998 में डीके प्रियो और सर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे फिल्म को अमेरिकी और कनाडा के बाहर रिलीज करने की अनुमति देने पर सहमत हुए और कुछ दृश्यों को हटा दिया। 2014 में टेल विटली ने वेबसाइट freedonsclub.com पर डीके प्रियो को एक खुला पत्र प्रकाशित किया जिसमें फिल्म के इतिहास और आगामी कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी। विटली ने फिल्म को वेबसाइट पर भी अपलोड किया ताकि इसे मुक्त। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डॉन क्लब
मूवी के बारे में बताती हूँ। फिल्म 2001 की कम बजट की ब्लैक एंड व्हाइट स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन आरडी राव ने किया है, जिसमें लिनार्डो डी के प्रियो, टोवी मैग्रू इवर्स और केविन को नोली ने अभिनय किया है। नाटक 1995-96 में फिल्माया गया था और राव द्वारा मेथानी एक्शन डॉर्ड बेकमैन, डेविड स्टेटसमैन और डेल हिटली के साथ लिखा गया था। फिल्म एक रात के दौरान होती है जिसमें युवा वयस्कों का एक समूह भोजन करते समय जीवन पर चर्चा करता है। निर्देशक आरडी राव द्वारा लिखित मेथानी एक्सटन टार्ड बेकमैन, आरडी राव, डेविड स्टेटमैन, डेल विटली द्वारा निर्मित डेविड स्टमैन, डेल विटली अभिनित लियोनार्डो डीके प्रियो, टोवी मार्कू इवरे, केविन को नोली, स्टॉक ब्लूम्स, जेनी लूसी, एवर बेसन, लिथर पेक कॉम्स, मीडो सीट्रो, मारिशा रिविसी, निक्की कॉक्स, छायकान स्टीव एडकॉक, ब्रायन बेलामी द्वारा संपादित पॉल हेमेन, नविल मेचियो संगीत दिया ब्लैक सेनेट, उत्पादन कंपनियां स्टार्स फिल्म स्लैक, जे ट्रोपो एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित पोलो पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, रिलीज की तारीख बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 फरवरी 2001, डेनमार्क 24 अगस्त 2001, कार्यकारी समय 89 मिनट, देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, भाषा अंग्रेजी, बजट बॉक्स ऑफिस 6,997। फिल्म को अमेरिका और कनाडा में रिलीज होने से रोक दिया गया था क्योंकि डीके प्रियो और मेगू इर्से का दावा है कि वे केवल एक लघु फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन एक फीचर फिल्म में नहीं। रिलो केली के ब्लैक सेनेट ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक प्रदान किया। उनके बैटमैन जेनी लूसी की सारा की भूमिका है। यह मैगी इर्सी और डीके प्रियो के बीच दूसरी फिल्म ऑन स्क्रीन सहयोग है। पहली फिल्म दिस वॉयजर्स लाइफ 1993 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म द गेट वेबसाइट 2013 में रिलीज हुई। डांस फिल्म 20 साल के युवकों के एक मित्र समूह के इर्द गिर्द केंद्रित है जो हर शनिवार की रात डांस क्लब नामक एक रेस्तरां में मिलते हैं। चार पुरुष मित्र आम तौर पर सभी को घूमने के लिए अपने साथ एक लड़की लाते हैं। नाटक शुरू होता है जिसमें रेस्तरां में दोस्तों और अन्य सदस्यों के बीच मौखिक और शारीरिक तकरार शामिल है।
बहुत कम ठोस कथनाक है जिसमें दोस्तों का है आउट फिल्म अधिक है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा इम्प्रोवाइज है। डीके प्रियो और मैग्यू इर्से को फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए प्रतिदिन 575 का भुगतान किया गया था। डीके पीओ और मैग्यू इर्से फिल्म के रिलीज होने का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार फिल्म को उन्हें एक लघु फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन बाद में एक फीचर लंबी वाली फिल्म में फिर से संपादित किया गया था। निर्माता डेविड स्टेटमैन का आरोप है कि मैग्यूशन ने अपने काम चलाओ प्रदर्शन के कारण फिल्म को रिलीज का विरोध किया, जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था। स्टेटमैन ने 1998 में डीको प्रियो और सर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे फिल्म को अमरीकी और कनाडा के बाहर रिलीज करने की अनुमति देने पर सहमत हुए और कुछ दृश्यों को हटा दिया। 2014 में टेल विटली ने वेबसाइट freedomsclub.com पर डीके प्रियो को एक खुला पत्र प्रकाशित किया, जिसमें फिल्म के इतिहास और आगामी कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी। विटली ने फिल्म को वेबसाइट पर भी अपलोड किया ताकि इसे मुक्त। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डॉन प्लम मूवी के बारे में बताती हूँ। प्लम 2001 की कम बजट की ब्लैक एंड वाइट स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन आर डी राव ने किया है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैकग्रू इवर्स और केविन को नोली ने अभिनय किया है। नाटक 1995-96 में फिल्माया गया था और राव द्वारा मेथानी एक्टन, डॉर्ड बेकमैन, डेविड स्टेटसमैन और डेल हिटली के साथ लिखा गया था। फिल्म एक रात के दौरान होती है जिसमें युवा वयस्कों का एक समूह भोजन करते समय जीवन पर चर्चा करता है। निर्देशक आर डी राव द्वारा लिखित मैथानी एक्सटन, टार्ड बेकमैन, आर डी राव, डेविड स्टेटमैन, डेल विटली द्वारा निर्मित, डेविड स्टमैन, डेल विटली अभिनीत, लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मार्कू इवरे, केविन को नोली, स्टॉक ब्लूम्स, जेनी लूसी, एवर बेसन, लिथर पेक, काम्स मीडो, सीट्रो, मारिशा रिविसी, निक्की कॉक्स, छायकान, स्टीव एडकॉक, ब्रायन बेलामी द्वारा संपादित, पॉल हेमेन, नविल मेचियो संगीत दिया, ब्लैक सेनेट, उत्पादन कंपनियां स्टार्स फिल्म स्लैक, जे ट्रोपो एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, पोलो पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 फरवरी 2001, डेनमार्क 24 अगस्त 2001, कार्यकारी समय 89 मिनट, देशों
संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन। भाषा अंग्रेजी। बजट बॉक्स ऑफिस 6,997। फिल्म को अमेरिका और कनाडा में रिलीज होने से रोक दिया गया था क्योंकि टीके प्रियो और मेगू इर्सी का दावा है कि वे केवल एक लघु फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन एक फीचर फिल्म में नहीं। रिलो केली के ब्लैक सेनेट ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक प्रदान किया। उनके बैटमैन जेनी लूसी की सारा की भूमिका है। यह मैगी इर्सी और डीके प्रियो के बीच दूसरी फिल्म ऑन स्क्रीन सहयोग है। पहली फिल्म दिस वॉयजर्स लाइफ 1993 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म द गेट वेबसाइट 2013 में रिलीज हुई। डांस फिल्म 20 साल के युवकों के एक मित्र समूह के इर्द गिर्द केंद्रित हैं, जो हर शनिवार की रात डांस क्लब नामक एक रेस्तरां में मिलते हैं। चार पुरुष मित्र आम तौर पर सभी को घूमने के लिए अपने साथ एक लड़की लाते हैं। नाटक शुरू होता है जिसमें रेस्तरां में दोस्तों और अन्य सदस्यों के बीच मौखिक और शारीरिक तरकरा शामिल है। बहुत कम ठोस कथनाक है जिसमें दोस्तों का है आउट फिल्म अधिक है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा इम्प्रोवाइज है। डीके प्रियो और मैगी इर्सी को फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए प्रतिदिन 575 का भुगतान किया गया था। डीके प्रियो और मैगी इर्सी फिल्म के रिलीज होने का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार फिल्म को उन्हें एक लघु फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन बाद में एक फीचर लंबी वाली फिल्म में फिर से संपादित किया गया था। निर्माता डेविड स्टेटमैन का आरोप है कि मेगिशन ने अपने काम चलाओ प्रदर्शन के कारण फिल्म को रिलीज का विरोध किया, जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था। स्टेटमैन ने 1998 में डीके प्रियो और सर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे फिल्म को अमेरिकी और कनाडा के बाहर रिलीज करने की अनुमति देने पर सहमत हुए और कुछ दृश्यों को हटा दिया। 2014 में टेल विटली ने वेबसाइट freedonsclub.com पर डीके प्रियो को एक खुला पत्र प्रकाशित किया, जिसमें फिल्म के इतिहास और आगामी कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी। विटली ने फिल्म को वेबसाइट पर भी अपलोड किया ताकि इसे मुक्त। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डॉन प्लम मूवी के बारे में बताती हूँ। प्लम 2001 की कम बजट की ब्लैक एंड वाइट स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन आरडी राव ने किया है, जिसमें लिनार्डो डीके प्रियो, टोवी
में क्रू इवर्स और केविन को नोली ने अभिनय किया है। नाटक 1995-96 में फिल्माया गया था और राव द्वारा मेथानी एक्शन डॉर्ड बेकमैन डेविड स्टेटसमैन और डेल हिटली के साथ लिखा गया था। फिल्म एक रात के दौरान होती है जिसमें युवा वयस्कों का एक समूह भोजन करते समय जीवन पर चर्चा करता है। निर्देशक आरडी राव द्वारा लिखित मेथानी एक्सटन टार्ड बेकमैन आरडी राव डेविड स्टेटमैन डेल विटली द्वारा निर्मित डेविड स्टमैन डेल विटली अभिनीत लियोनार्डो डीके प्रियो टोवी मार्कु इवरे केविन को नोली स्टॉक ब्लूम्स जेनी लूसी एवर बेसन लिथर पेक कॉम्स मिडो सीट्रो मारिशा रिविसी निक्की कॉक्स छायकान स्टीव एडकॉक ब्रायन बेलामी द्वारा संपादित पॉल हेमेन नविल में चियो संगीत दिया ब्लैक सेनेट उत्पादन कंपनी स्टार्स फिल्म स्लैक जे ट्रोपो एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित पोलो पिक्चर्स एंटरटेनमेंट रिलीज की तारीख बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 फरवरी 2001 डेनमार्क 24 अगस्त 2001 कार्यकारी समय 89 मिनट देशों संयुक्त राज्य अमेरिका डेनमार्क स्वीडन भाषा अंग्रेजी बजट बॉक्स ऑफिस 6,997 फिल्म को अमेरिका और कनाडा में रिलीज होने से रोक दिया गया था क्योंकि डीके प्रियो और मेगू इर्से का दावा है कि वे केवल एक लघु फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हुए थे लेकिन एक फीचर फिल्म में नहीं। रिलो केली के ब्लैक सेनेट ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक प्रदान किया। उनके बैटमैन जेनी लूसी की सारा की भूमिका है। यह मैगी इर्सी और डीके प्रियो के बीच दूसरी फिल्म ऑन स्क्रीन सहयोग है। पहली फिल्म दिस वॉयजर्स लाइफ 1993 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म द गेट वेबसाइट 2013 में रिलीज हुई। डांस फिल्म 20 साल के युवकों के एक मित्र समूह के इर्द गिर्द केंद्रित हैं जो हर शनिवार की रात डांस क्लब नामक एक रेस्तरां में मिलते हैं। चार पुरुष मित्र आम तौर पर सभी को घूमने के लिए अपने साथ एक लड़की लाते हैं। नाटक शुरू होता है जिसमें रेस्तरां में दोस्तों और अन्य सदस्यों के बीच मौखिक और शारीरिक तकरार शामिल है। बहुत कम ठोस कथनाक है जिसमें दोस्तों का हेक आउट फिल्म अधिक है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा इम्प्रोवाइज है। डीके प्रियो और मैगी इर्से को फिल्म में
प्रदर्शित होने के लिए प्रतिदिन 575 का भुगतान किया गया था। डीकैप्रियो और मैग्यूइसे फिल्म के रिलीज होने का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार फिल्म को उन्हें एक लघु फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन बाद में एक फीचर लंबी वाली फिल्म में फिर से संपादित किया गया था। निर्माता डेविड स्टेटमैन का आरोप है कि मैग्यूइसे ने अपने काम चलाओ प्रदर्शन के कारण फिल्म को रिलीज का विरोध किया, जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था। स्टेटमैन ने 1998 में डीकैप्रियो और मैग्यूइसे के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे फिल्म को अमरीकी और कनाडा के बाहर रिलीज करने की अनुमति देने पर सहमत हुए और कुछ दृश्यों को हटा दिया। 2014 में टेल विटली ने वेबसाइट freedomsclub.com पर डीकैप्रियो को एक खुला पत्र प्रकाशित किया, जिसमें फिल्म के इतिहास और आगामी कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी। विटली ने फिल्म को वेबसाइट पर भी अपलोड किया ताकि इसे मुक्त। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डॉन प्लम मूवी के बारे में बताती हूँ। प्लम 2001 की कम बजट की ब्लैक एंड वाइट स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन आर डी राव ने किया है, जिसमें लियोनार्डो डीकैप्रियो, टोबी मैग्वायर्स और केविन कॉनली ने अभिनय किया है। नाटक 1995-96 में फिल्माया गया था और राव द्वारा मेथानी एक्टन, एडवर्ड बेकमैन, डेविड स्टेटमैन और डेल हिटली के साथ लिखा गया था। फिल्म एक रात के दौरान होती है, जिसमें युवा वयस्कों का एक समूह भोजन करते समय जीवन पर चर्चा करता है। निर्देशक आर डी राव द्वारा लिखित मैथानी एक्सटन, टार्ड बेकमैन, आर डी राव, डेविड स्टेटमैन, डेल विटली द्वारा निर्मित, डेविड स्टमैन, डेल विटली अभिनीत, लियोनार्डो डीकैप्रियो, टोबी मैग्वायर, केविन कॉनली, स्टॉक ब्लूम्स, जेनी लूसी, एवर वेसन, लिथर पेक, काम्स, मीडो सीट्रो, मारिशा रिविसी, निक्की कॉक्स, छायकान, स्टीव एडकॉक, ब्रायन बेलामी द्वारा संपादित, पॉल हेमेन, नविल मेचियो संगीत दिया, ब्लैक सेनेट, उत्पादन कंपनियां स्टार्स फिल्म स्लैक, जे ट्रोपो एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, पोलो पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 फरवरी 2001, डेनमार्क 24 अगस्त 2001, कार्यकारी समय 89 मिनट, देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, भाषा अंग्रेजी, बजट बॉक्स ऑफिस 6,997। फिल्म को अमेरिका और कनाडा में रिलीज
होने से रोक दिया गया था क्योंकि टीके प्रियो और मेगू इर्सी का दावा है कि वे केवल एक लघु फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन एक फीचर फिल्म में नहीं। रिलो केली के ब्लैक सेनेट ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक प्रदान किया। उनके बैटमैन जेनी लूसी की सारा की भूमिका है। यह मैगी इर्सी और डीके प्रियो के बीच दूसरी फिल्म ऑन स्क्रीन सहयोग है। पहली फिल्म दिस वॉयजर्स लाइफ 1993 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म द गेट वेबसाइट 2013 में रिलीज हुई। डांस फिल्म 20 साल के युवकों के एक मित्र समूह के इर्द गिर्द केंद्रित हैं, जो हर शनिवार की रात डांस क्लब नामक एक रेस्तरां में मिलते हैं। चार पुरुष मित्र आम तौर पर सभी को घूमने के लिए अपने साथ एक लड़की लाते हैं। नाटक शुरू होता है जिसमें रेस्तरां में दोस्तों और अन्य सदस्यों के बीच मौखिक और शारीरिक तरकरा शामिल है। बहुत कम ठोस कथनाक है जिसमें दोस्तों का है आउट फिल्म अधिक है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा इम्प्रोवाइज है। डीके प्रियो और मैगी इर्सी को फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए प्रतिदिन 575 का भुगतान किया गया था। डीके प्रियो और मैगी इर्सी फिल्म के रिलीज होने का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार फिल्म को उन्हें एक लघु फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन बाद में एक फीचर लंबी वाली फिल्म में फिर से संपादित किया गया था। निर्माता डेविड स्टेटमैन का आरोप है कि मेगिशन ने अपने काम चलाओ प्रदर्शन के कारण फिल्म को रिलीज का विरोध किया, जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था। स्टेटमैन ने 1998 में डीके प्रियो और सर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे फिल्म को अमरीकी और कनाडा के बाहर रिलीज करने की अनुमति देने पर सहमत हुए और कुछ दृश्यों को हटा दिया। 2014 में टेल विटली ने वेबसाइट freedonsclub.com पर डीके प्रियो को एक खुला पत्र प्रकाशित किया, जिसमें फिल्म के इतिहास और आगामी कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी। विटली ने फिल्म को वेबसाइट पर भी अपलोड किया ताकि इसे मुक्त। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डॉन प्लम मूवी के बारे में बताती हूँ। प्लम 2001 की कम बजट की ब्लैक एंड वाइट स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन आरडी राव ने किया है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैकग्रू इवर्स और केविन कोनोली ने अभिनय किया है। नाटक 1995-1996 में फिल्माया गया था और राव द्वारा मेथानी एक्शन, डॉर्ड बेकमैन, डेविड
स्टेटस मैन और डेल हिटली के साथ लिखा गया था। फिल्म एक रात के दौरान होती है जिसमें युवा वयस्कों का एक समूह भोजन करते समय जीवन पर चर्चा करता है। निर्देशक आरडी राव द्वारा लिखित मैथानी एक्सटन टार्ड बेकमैन आरडी राव डेविड स्टेटमैन डेल विटली द्वारा निर्मित डेविड स्टमैन डेल विटली अभिनीत लियोनार्डो डिकैप्रियो टोबी मार्कू इवरे केविन कोनोली स्टॉक ब्लूम्स जेनी लूसी एवर बेसन लिथर पेक कॉम्स मिडो सीट्रो मारिशा रिविसी निक्की कॉक्स छायकान स्टीव एडकॉक ब्रायन बेलामी द्वारा संपादित पॉल हेमेन नविल मेचियो संगीत दिया ब्लैक सेनेट उत्पादन कंपनी स्टार्स फिल्म स्लैक जे ट्रोपो एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित पोलो पिक्चर्स एंटरटेनमेंट रिलीज की तारीख बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 फरवरी 2001 डेनमार्क 24 अगस्त 2001 कार्यकारी समय 89 मिनट देशों संयुक्त राज्य अमेरिका डेनमार्क स्वीडन भाषा अंग्रेजी बजट बॉक्स ऑफिस 6,997 फिल्म को अमेरिका और कनाडा में रिलीज होने से रोक दिया गया था क्योंकि डिकैप्रियो और मेगू इर्सी का दावा है कि वे केवल एक लघु फिल्म में अभिनय करने के लिए सहमत हुए थे लेकिन एक फीचर फिल्म में नहीं। रिलो केली के ब्लैक सेनेट ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक प्रदान किया। उनके बैटमैन जेनी लूसी की सारा की भूमिका है। यह मैगी इर्सी और डिकैप्रियो के बीच दूसरी फिल्म ऑन स्क्रीन सहयोग है। पहली फिल्म दिस वॉयजर्स लाइफ 1993 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म द गेट वेबसाइट 2013 में रिलीज हुई। डांस फिल्म 20 साल के युवकों के एक मित्र समूह के इर्द गिर्द केंद्रित हैं जो हर शनिवार की रात डांस क्लब नामक एक रेस्तरां में मिलते हैं। चार पुरुष मित्र आम तौर पर सभी को घूमने के लिए अपने साथ एक लड़की लाते हैं। नाटक शुरू होता है जिसमें रेस्तरां में दोस्तों और अन्य सदस्यों के बीच मौखिक और शारीरिक तरकरा शामिल है। बहुत कम ठोस कथनाक है जिसमें दोस्तों का हैक आउट फिल्म अधिक है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा इम्प्रोवाइज है। डिकैप्रियो और मैगी इर्सी को फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए प्रतिदिन 575 का भुगतान किया गया था। डिकैप्रियो और मैगी इर्सी फिल्म के रिलीज होने का विरोध कर
रहे थे उनके अनुसार फिल्म को उन्हें एक लघु फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन बाद में एक फीचर लंबी वाली फिल्म में फिर से संपादित किया गया था। निर्माता डेविड स्टेटमैन का आरोप है कि मेगेशन ने अपने काम चलाओ प्रदर्शन के कारण फिल्म को रिलीज का विरोध किया, जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था। स्टेटमैन ने 1998 में डिकैप्रियो और मेगेशन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे फिल्म को अमरीकी और कनाडा के बाहर रिलीज करने की अनुमति देने पर सहमत हुए और कुछ दृश्यों को हटा दिया। 2014 में टेल विटली ने वेबसाइट freedomsclub.com पर टिके प्रयोग को एक खुला पत्र प्रकाशित किया, जिसमें फिल्म के इतिहास और आगामी कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी। विटली ने फिल्म को वेबसाइट पर भी अपलोड किया ताकि इसे मुक्त। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको डॉन प्लम मूवी के बारे में बताती हूँ। प्लम 2001 की कम बजट की ब्लैक एंड वाइट स्वतंत्र ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन आर डी राव ने किया है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैकग्रू इवर्स और केविन कोनोली ने अभिनय किया है। नाटक 1995-96 में फिल्माया गया था और राव द्वारा मेथानी एक्टन डॉल्ड बेकमैन, डेविड स्टेटसमैन और डेल हिटली के साथ लिखा गया था। फिल्म एक रात के दौरान होती है, जिसमें युवा वयस्कों का एक समूह भोजन करते समय जीवन पर चर्चा करता है। निर्देशक आर डी राव द्वारा लिखित मेथानी एक्सटन टार्ड बेकमैन, आर डी राव, डेविड स्टेटमैन, डेल विटली द्वारा निर्मित डेविड स्टमैन, डेल विटली अभिनीत लियोनार्डो डीके प्रियो, टोवी मार्कू इवरे, केविन कोनोली, स्टॉक ब्लूम्स, जेनी लूसी, एवर वेसन, लिथर पेक काम्स, मीडो सीट्रो, मारिशा रिविसी, निक्की कॉक्स, छायकान स्टीव एडकॉक, ब्रायन बेलामी द्वारा संपादित, पॉल हेमेन, नविल में चियो संगीत दिया, ब्लैक सेनेट उत्पादन कंपनियां स्टार्स फिल्म स्लैक जे ट्रोपो एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, पोलो पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 फरवरी 2001 डेनमार्क 24 अगस्त 2001 कार्यकारी समय 89 मिनट देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन, भाषा अंग्रेजी। बजट बॉक्स ऑफिस 6,997। फिल्म को अमेरिका और कनाडा में रिलीज होने से रोक दिया गया था, क्योंकि डिकैप्रियो और मेगू इर्सी का दावा है कि वे केवल एक लघु फिल्म में अभिनय करने के
लिए सहमत हुए थे, लेकिन एक फीचर फिल्म में नहीं। रिलो केली के ब्लैक सेनेट ने फिल्म के लिए साउंड ट्रैक प्रदान किया। उनके बैटमैन जेनी लूसी की सारा की भूमिका है। यह मैगी इर्शी और डी के प्रियो के बीच दूसरी फिल्म ऑन स्क्रीन सहयोग है। पहली फिल्म दिस वॉयजर्स लाइफ 1993 में रिलीज हुई और तीसरी फिल्म द गेट वेबसाइट 2013 में रिलीज हुई। डांस फिल्म 20 साल के युवकों के एक मित्र समूह के इर्द गिर्द केंद्रित हैं, जो हर शनिवार की रात डांस क्लब नामक एक रेस्तरां में मिलते हैं। चार पुरुष मित्र आम तौर पर सभी को घूमने के लिए अपने साथ एक लड़की लाते हैं। नाटक शुरू होता है जिसमें रेस्तरां में दोस्तों और अन्य सदस्यों के बीच मौखिक और शारीरिक तरकरा शामिल है। बहुत कम ठोस कथनाक है जिसमें दोस्तों का है आउट फिल्म अधिक है। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा इम्प्रोवाइज है। डी के प्रियो और मैगी इर्शी को फिल्म में प्रदर्शित होने के लिए प्रतिदिन 575 का भुगतान किया गया था। डी के पीओ और मैग्यू इससे फिल्म के रिलीज होने का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार फिल्म को उन्हें एक लघु फिल्म के रूप में पेश किया गया था, लेकिन बाद में एक फीचर लंबी वाली फिल्म में फिर से संपादित किया गया था। निर्माता डेविड स्टेटमैन का आरोप है कि मैग इर्शी ने अपने काम चलाओ प्रदर्शन के कारण फिल्म को रिलीज का विरोध किया, जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया था। स्टेटमैन ने 1998 में डी को प्रियो और सर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे फिल्म को अमरीकी और कनाडा के बाहर रिलीज करने की अनुमति देने पर सहमत हुए और कुछ दृश्यों को हटा दिया। 2014 में टेल विटली ने वेबसाइट freedonsclub.com पर के प्रियो को एक खुला पत्र प्रकाशित किया, जिसमें फिल्म के इतिहास और आगामी कानूनी मुद्दों पर अपनी राय दी। विटली ने फिल्म को वेबसाइट पर भी अपलोड किया ताकि इसे मुक्त। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।